सो ये गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ और मैं मतलब जब तक शॉर्ट वीडियो अपलोड करता था तो उसमें बहुत लोग पूछ रहे कि भाई तुम फिट में क्या देते हो, कैसे क्या देते हो। तो मैं आज पूरा डिटेल वीडियो लेकर आ चुका हूँ और बने रहिएगा अंत तक और आपको बताते हैं मैं अपने गायों को फिट में क्या देता हूँ और क्या क्या देता हूँ, मतलब कैसे क्या करता हूँ। तो अभी बच चुके हैं ऐसे कि अभी बच चुके हैं शाम के 3:30, अभी जा रहे हैं उसको खाली पानी करने। तो देख सकते हैं दांत में पानी है और अभी ऊपर जा रहे हैं छत से भूसा लाने। तो आओ भूसा लाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मतलब सुबह में भूसा भर कर मैंने रख दिया था और इतना भूसा है, भूसा भी खत्म होने वाला है तो अभी टाइम है भूसा गिराने में। तो अभी नीचे लेकर चलते हैं भूसा। कैमरामैन जो है बढ़िया कैमरा क्लिक कर रहा है। तो देख सकते हैं नीचे भूसा उतार दिए हैं, अब चलते हैं खरी लाते हैं। खरी का टापा ये रहा। खरी में है मेरे पास, इसमें है चोकर है मसूर है बस, और यही मैं दो चीज देता हूँ और कुछ नहीं। तो इसको निकालते हैं पड़ा से अच्छे से। तो ये रहा खरी, लेकर चलते हैं बंद। फिर में खरी के अलावा कुछ और मिलता है, इसका नाम है पशु आहार। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा दूध ज़्यादा देती हैं सब, इसीलिए इसको देना पड़ता है। इसका मतलब खड़ा भी आता है लेकिन मैं पिसा हुआ ला रहा हूँ, पिसा हुआ लाया हूँ मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये रहा मेरे पास पशु आहार, खरी और भूसा, और इन सबको जा रहा हूँ सानी पानी देने। सानी पानी देने से पहले इन गायों को अलग अलग बात करें तो मुझे दिक्कत करेंगी सानी पानी करने में। और पहली बात तो मतलब मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरे को ये सब के बारे में कुछ नहीं पता है। 4 साल से ही काम कर रहा हूँ, जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जितना मतलब सबसे सुना हूँ वही मैं बता रहा हूँ। बाकी कुछ गलत होगा तो मुझे बोलिएगा मत, क्योंकि मेरे पास भी आइडिया नहीं है। बस हाँ कमेंट में आ रहा था कि तुम क्या देते हो, तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि मैं अपने गायों को क्या देता हूँ। बाकी जो अच्छे मतलब जो करते होंगे इसमें अच्छे से वो लोग कुछ और ही देते होंगे, लेकिन मैं जो अपने गायों को देता हूँ मैं वही दिखा रहा हूँ बस। अब ये पशु आहार है,
तो देख सकते हैं यहाँ पे तीन नाले में पानी दे दिए हैं और ये तीन गायों को जा रहे हैं लगाने, और अभी चार गायें बची हैं, तो पहले इन तीनों को लगा देते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं उन सबको भी। अपना हम बता भी देते हैं कि फीड में इसको क्या देते हैं, तो ये रहा फीड, इसमें मतलब जो बल्टी में हो वो पशु आहार है और उसके नीचे खरी है और भूसा है, बस यही तीन चीज़ देता हूँ, और खरी में चोकर मसूर बस और कुछ नहीं, और ये सब अपना खाकर मस्त मतलब खा रही है एकदम बढ़िया से। और दो इधर है, इसको तो बाद में देते हैं, आपको पता ही होगा। और जो कैमरामैन मेरा ये था वीरेंद्र, इसका चेहरा साफ नहीं आ रहा है क्योंकि कैमरे से कर रहा हूँ, तो कैमरे को अच्छे से क्वालिटी चाहिए, तो अब इसका चेहरा आया अच्छे से। तो अभी क्या करते हैं कि मेरा भी मतलब बाल वही बहुत छोटा है और बियर्ड दे सकते हैं एकदम अच्छा सा आया है, एक महीने से कुछ कटिंग वटिंग नहीं कराया हूँ, तो अभी शाम का मौसम काफ़ी मस्त है, देखते हैं कितना मस्त है। और अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा देखते हैं क्या हाल है बाहर। तो अभी ये सब सानी पानी अपना खा रही हैं, अभी 4:30 बज रहे हैं, तो एक घंटे बाद इन सब का दूध निकालूंगा, अभी तो अभी टाइम एक घंटे का। और बाहर का सीन कुछ इस तरह रहा, और ये कैमरा है तो कैमरा गांव में लेकर जा नहीं सकता, नहीं तो सब मेरे को ही दिखने लगेंगे। तो अभी के लिए ब्लॉग करते हैं बंद, जब दूहेंगे तब स्टार्ट करेंगे, और कैमरे को रखते हैं घर में। कैमरा का बैटरी हो चुका था डिस्चार्ज, तो मैं फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर रखते हैं, चार्ज लगा दिए, फुल हो चुका है, जो कि अभी जा रहे हैं गायों का दूध निकाल। तो ये सब गाय खा कर खड़ी हैं और मैं जा रहा हूँ इन सबका दूध निकालने और ब्लॉग कर।